अब जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उससे हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो मोमेंटम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, वो वेव नेचर भी रखते हैं। हमें डिस्क्रीट एनर्जी का पता चल गया, हमें जो है स्पीड रेडियस वगैरह का पता चल गया, लेकिन बोहर का ये जो मॉडल है उसे फर्दर यूज़ करते हुए जो है हमें ऑर्बिटल रेडियस के बारे में भी पता चला कि अगर हमें ऑर्बिटल रेडियस निकालना हो तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। चूँकि हमें मालूम है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास जो है प्रोटॉन होता है जो कि प्लस पॉजिटिव चार्ज रखता है, और साइड पे जो है हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब अगर मैं अपनी जो है हम लोगों ने सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, हमें मालूम है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है वो होती है कि अगर सर्कल में कोई भी चीज़ आपको रिवॉल्व कर आप जो है वो उसको घुमा रहे हैं, सर्कल के अंदर जो है उसको मोमेंट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है और उसी के जो है उसको कंपनसेट करने के लिए, चूँकि एक्शन जो है रिएक्शन के इक्वल होता है, वहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही होती है ना, अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें मालूम है कि हमारे पास एम वी स्क्वेयर बाय आर के इक्वल आ जाती है, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन अगर मैं कूलम्स का लॉ यूज़ करूँ तो कूलम्स ने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होती है दो ऑपोजिट चार्जेस के अंदर। अब एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट चार्ज रखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई का भी होना मस्ट है। इसका मतलब है कि अगर कोई एटम हो हाइड्रोजन के अलावा भी, फॉर एग्जांपल कोई एटम अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर अट्रैक्शन होती है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है। सिमिलरली यहाँ मैंने कंसिडर किया हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिजॉल्व कर यहाँ पर रिवॉल्व कराने के लिए जो है मेरे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसे मैं एफ सी कह लेती हूँ कि मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और इसी के साथ साथ मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के माबेन जो है एक मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं आपस में, अगर मैंने इक्वेट कर लूँ इक्वल होती हैं, तो मुझे मालूम है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास के इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर आ जाता है, आर का स्केयर, यानी कि ये हमारे पास आ गई जिस हमारे पास एक्ट करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इन दोनों चार्जेस के अंदर थी। अब मैंने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है, तो जब मैंने इक्वेट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास एम वी स्केयर बाई आर आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्केयर आ जाएगा। दोनों साइड पे आर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एम वी स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे के क्यू वन इंटू क्यू टू आ जाएगा और एक आर बचता है जो कि डिवाइडेड बाय आर। अब ये मेरे पास एम वी स्केयर के लिए आ गया। अब आपको मालूम होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है बोहर लॉ के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने कहा था कि एम वी आर जो है वो एन एच ओवर टू पाई के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को ज़रा आप थोड़ा सा थोड़ी देर रिमाइंड रखें कि एम वी आर इक्वल्स टू टू एन टू एन एच ओवर टू पाई है, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच ओवर टू पाई हमारे पास जो है फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर मैं ये करूँ कि मैं इस एन जो आर है इसको अगर यहाँ ले जाऊँ तो ये मेरे पास एम वी स्केयर इंटू आर आ जाएगा और यहाँ पर के इंटू क्यू वन क्यू टू रह जाएगा। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, एम वी आर है। अगर मैं इस जगह का स्केयर लूँ तो मुझे इस जगह का भी स्केयर लेना पड़ेगा, तो मेरे पास एम स्केयर वी स्केयर आर स्केयर इक्वल आ जाएगा एन स्केयर एच स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा ना, चूँकि मैंने मुझे स्केयर लेना है तो जो काम इक्वेशन के वन साइड पे करूँगी सिमिलरली वही काम मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी करना बनता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने जी दोनों के साइड पर जो है स्केयरिंग कर ली। अब अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पर भी जाहिर सी बात है मुझे एम स्केयर और जो है आर स्केयर चाहिए, तभी तो मैं इसकी जगह इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर पाऊँगी। तो अगर मैं यूँ कर लूँ कि थोड़ा सा मैंने अपने इस चीज़ को डिफाइन कर लेती हूँ ये के क्यू को, अब ये जो क्यू वन और ये क्यू टू हैं ये दोनों ही हमारे पास चार्जेस हैं, तो दोनों में जो है साइन का फ़र्क है, दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो मैं क्यों ना जो है ई इलेक्ट्रॉन है उसे और प्लस इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिख लूँ, जो प्रोटॉन है बेसिकली हमारे पास उसे मैं ई स्केयर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर के ई स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एम वी स्केयर आर आ जाएगा। अब अगर मुझे इसे एम स्केयर वी स्केयर और आर स्केयर को इसके अकॉर्डिंग लेके जाना है तो वी का तो स्केयर है लेकिन आर और एम का स्केयर नहीं है, तो क्यों ना इक्वेशन के दोनों साइड पे एम आर से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो जब एम आर से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर एम
स्क्वेयर, वी तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो वी पहले ही था वी स्क्वेयर, और आर भी आर स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर जो इक्वेशन के दूसरी साइड पर के ई स्क्वेयर एम आर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि हम इतना कर ही क्यों रहे हैं। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऑर्बिटल रेडियस जो है डिफाइन करने जा रहे हैं। ऑर्बिटल रेडियस के बारे में एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं कि हमें एक छोटा सा फॉर्म मिल जाए जिसमें आया कि अगर हमारे पास स्पीड ना भी हो तब भी हम जो है उसके सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उस शेल में जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, तो उसकी रेवोल्यूशन से ही हम उसके रेडियस के बारे में आइडिया निकाल सकें कि उसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी होगी। सिर्फ अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि उसके नंबर ऑफ शेल क्या है जिसके अंदर वो मूव कर रहा है, तो हम ये बेसिकली फार्मूला निकालना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ आर और एन हो हमारे पास, हमें कोई भी एच की ज़रूरत ना हो, हमें कोई सी की ज़रूरत ना हो, हमें कोई एम या वी किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, सिर्फ हम रेडियस को आसानी से निकाल सकें सिर्फ एक एन का फार्मूला बीच में लगा के, सिर्फ एन की वैल्यू बीच में प्लेस करके। तो इस सिर्फ एन और आर का रिलेशन निकालने के लिए हमें ये सारी की सारी डेरिवेशन करनी पड़ रही है। अब ये इक्वेशन ए तो आ गई जिसमें हम लोगों ने एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर को इक्वेट कर लिया है के ई स्क्वेयर एम आर के। अब ये जो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर है इसकी जगह मैं ये चीज़ लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए। अब यहाँ पे एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वेयर आ जाएगा जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, के ई स्क्वेयर इंटू एम आर। अब मैं जैसे कि अभी आपको बताया कि मैं r और n के लिए निकालना चाह रही हूँ, तो अगर मैं r को यहाँ रहने दूँ तो ये सारी की सारी चीज़ नीचे जाके डिवाइड होगी, तो ये एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वेयर इंटू के ई स्क्वेयर इंटू एम, तो ये सारी की सारी चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये r को एज इट इज़ ही रहने देती हूँ, बल्कि थोड़ा सा मार्कर डिफरेंट करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ पे एन स्क्वेयर है और ये अगर मैं एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम इस सब को एक साइड पे रख लूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ एन स्क्वेयर इंटू इस सब को लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है फोर भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक परमानेंट है कि फोर ही लगेगा, पाई की अपनी वैल्यू है, के की अपनी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ई, यहाँ पर हम मैथ यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन का मैस आ गया, ये जो ई है बेसिकली उसके चार्ज आ गया, उसका स्क्वायर आ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन चार्जेस में तो इक्वल एम्बर साइन ऑपोजिट आ जाते हैं, वो नेगेटिव चार्ज रखता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, मैस का भी हमें पता चल गया, और एच जो है ऊपर है वो प्लांक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी अपनी एक वैल्यू है। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये ओवरऑल कॉन्स्टेंट ही हैं, तो क्यों ना इन सबको एक साइड पर करके कॉन्स्टेंट की इक्वेट कर दूँ। तो इन सबको जो मैं एक साइड पर करूँगी तो उसे मैं एक कॉन्स्टेंट की इक्वेट कर लूँगी जिसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.053 आ जाएगी, और साथ यहाँ पे एन स्क्वेयर है तो ये मेरे पास आर एन के इक्वल निकलेगा। एन का मतलब किसी भी नंबर ऑफ शेल के अंदर आप अगर उसका रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो मिल जाएगा। अब अगर आप इस चीज़ को भी सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास एन एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वेयर इंटू के इंटू ई स्क्वेयर इंटू एम, ये किस तरीके से 0.053 नैनोमीटर के इक्वल आता है, बल्कि ये सॉरी ये नैनोमीटर के इक्वल था, मैं शायद पीछे मिस कर गई हूँ नैनोमीटर लगाना, ये नैनोमीटर। तो अब मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं इसे सॉल्व करके दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम है कि वो 6.63 × 10⁻³⁴ है, इसका स्क्वायर आ गया। सिमिलरली फोर मैंने आपको कहा है कि फोर तो यहाँ पर लगेगा ही, कांस्टेंट जो आगे पाई है वो 3.14 इसका स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही हमारे पास जो कूलम्स लॉ है उसका जो कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट उसकी जो वैल्यू है हमें मालूम है कि वो हमारे पास जो वैल्यू है तकरीबन आ जाती है यहाँ पर 9 × 10⁻⁹। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर आ जाता है, और इसके साथ मैस आ जाता है जो कि मैस इलेक्ट्रॉन का है 9.1 × 10⁻³⁻³। जब आप इस सबको सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो 0.053 नैनोमीटर आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ को आप इस पूरे के पूरे फैक्टर को फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास जो है इसे आर ओ कह लीजिए, ये फॉर एग्जांपल आपने आर ओ कह दिया तो जो आर का था ऑर्बिटल रेडियस वो आपके पास बेसिकली किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे आपके पास आर ओ और यहाँ पर एन।
एन का स्केयर, ये आर ओ मैंने किस लिए लगाया, मैंने इस पूरे के पूरे फैक्टर की जगह एक चीज़ सपोज कर ली, आप ए सपोज कर लें, बी सी डी कुछ भी लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि आपने इसकी जगह ये वैल्यू लगानी है। तब आपके पास जो ऑर्बिटल रेडियस है, आपको किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना हो तो 0.0537 नैनोमीटर और इस सॉरी नैनोमीटर और इसके साथ आप वो ऑर्बिट का नंबर लिख दीजिए और उसका स्केल ले लीजिए जिसके जिसका आप ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जिस भी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व जो है रिवॉल्व कर रहा होगा, रेवोल्यूशन कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखने से, उस शेल का नंबर लिखने से कि 2 में कर रहा है, 1 में है, 3 में है, उसका स्केयर लेंगे तो आपके पास उस शेल के लिए जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है ऑर्बिटल रेडियस निकल आएगा। तो इस तरीके से बोहर की जो थ्योरी है उसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो है ऑर्बिटल रेडियस के लिए भी एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी शेल के अंदर उसका हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं सिर्फ हाइड्रोजन के हाइड्रोजन ऑर्बिटल की बात करती हूँ, तो जो है हाइड्रोजन में चूँकि एक ही ऑर्बिट होता है और अगर मैं उसकी जो है वो लेना चाहती हूँ कि उसका रेडियस फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0.053 नैनोमीटर एज इट इज़ ही रहेगा और n की जगह यहाँ पे चूँकि वो 1 शेल में है तो 1 का स्केयर ले लूँगी। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल रेडियस होता है वो 0.053 नैनोमीटर के इक्वल आ जाता है। इस तरीके से जो है आप किसी भी एटम का जो है फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि उसका ऑर्बिटल रेडियस क्या है जिसके अंदर वो रेवोल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने जो है उसके पार्टिकल और वेव नेचर का भी बता दिया और साथ ही साथ हमने जो है उसके ऑर्बिटल रेडियस के बारे में भी बता दिया कि किस तरीके से आप ऑर्बिटल रेडियस इस्तेमाल कर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको दो थ्योरी लगानी पड़ती है, एक आपको सेंट्रीपिटल की भी यूज़ करनी पड़ती है रिलेशनशिप, दूसरा आपको कूलम्स लॉ की भी हेल्प लेनी पड़ती है, तो तब जाके आप इस बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए उसके ऑर्बिटल रेडियस के लिए एक रिलेशन निकाल लेते हैं।